आत्मा तो शुद्ध है, फिर भी वो संसार में क्यों आते हैं? आत्मा तो शुद्ध है, ये सोने की थाली रहती है ना, थाली सोने की है, हम उसमें खाना खाया तो शुद्ध बोला जाएगा कि अशुद्ध हो गई बोला जाता है? ऐठी थाली है, धोनी पड़ेगी, बोलते हैं कि नहीं? नहीं, अशुद्ध तो बोलते हैं। हाँ नहीं, सोने की थाली में किसी ने खाना खाया, अभी आपको बिठाएंगे, आप खाओ इसमें, है इसको धोना पड़ेगा, ये तो मैली थाली है। अरे सोने की थाली मैली हो सकती है? तो क्या दूसरा कुछ आया इसके लिए अशुद्ध बोला जाता है उसको? आत्मा बिगड़ा नहीं, वो तो शुद्ध ही है, संयोग ऐसे आए तो उसको अशुद्ध बोला गया, और संयोग से छूट जाएगा तो शुद्ध ही है, क्योंकि अभी भी शुद्ध है आत्मा। तो इसके लिए एक घंटे में ज्ञान में शुद्ध हो दृष्टि मिल जाती है, क्योंकि बिगड़ा ही नहीं था, ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध हुआ ही नहीं आत्मा। रॉन्ग बिलीफ बैठ जाती है, ये संयोग के वजह से रॉन्ग बिलीफ बैठ जाती है उसको। ट्रेन का संयोग मिला तो मैं पैसेंजर हूँ मान लेता है, वाइफ का संयोग मिला मैं पति हूँ मान लेता है, नहीं तो वो भी आत्मा है मैं भी आत्मा हूँ, मगर मैं पति पतिपणा करता है तो वाइफ के साथ झगड़ा हो जाता है। तो ये संयोग के वजह से सब प्रॉब्लम खड़े हो गए। हमें अभी ज्ञान मिलता है तो हम संयोगों से पहले मुक्त होते हैं, बाद में रॉन्ग बिलीफ से मुक्त होते जाते हैं, और धीरे धीरे सब संयोग का संभाव से निकाल करते गए, हमें इसके लिए मुक्त हुए तो कायम की मुक्ति मिल जाती है। पर संयोग आता कहाँ से? संयोग तो है, संसार संसार संयोग में भरा हुआ है। देखो हम रोज़ सुबह आते थे तो 10 बजे निकले तो वहाँ 15-20 मिनट तक पहुँच नहीं पाते थे, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, और आज 10 बजे निकले 5 मिनट में इधर आ गए। क्यों? आज सैटरडे है, IT ऑफिस वाले बंद है, बच्चों लोग स्कूल बंद है, ट्रैफिक नहीं रस्ते पे, तो संयोग मिलता है कि नहीं? ये संसार में आत्मा मोक्ष मार्ग में जा रहा है, सिद्ध क्षेत्र में, तो जो रास्ते में जाता है उसको समशरण मार्ग बोला जाता है, और समशरण मार्ग में संयोग का दबाव है, उस संयोग में सब बिलीफ चेंज हो जाती है, और बिलीफ चेंज होने से कर्म बन जाते हैं, और कर्म से कर्मफल भुगतने पड़ते हैं, और ऐसे अनुभव लेते 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 ऊपर चढ़ता है आत्मा। जब ज्ञानी मिलते हैं तो ये विज्ञान खुला हो जाता है, भाई कैसे कर्म बंद कर दो, स्टॉप कर दो, बाद में एक दो उतार में छूट के मोक्ष चले जाता है। इस संसरण मार्ग में संयोग का दबाव है ही है, और कलयुग में तो ज़्यादा दबाव रहता है, ट्रैफिक जाम चक्का जाम, ठीक। और मन में भी सोचेगा ये खाने का बैठना है, नहीं नहीं इतना काम पूरा करो बाद में खाता खाता, तो देखो अभी संयोग बदली हो गए, और खाना खाने के टाइम भी दूसरा सोचता है कि भाई क्या मैच में कितना स्कोर हुआ, यानी इतनी चंचलता बढ़ गई है, संयोग का दबाव बढ़ गया है।